In this section, I will be talking about the financial structure. So, when we talk about the financial structure, we need to understand what are the various components of a financial structure. financial system So, when we look at the various components of the financial structure, we see that there are banks, there are insurance companies, there are mutual funds. म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक्स की बॉन्ड्स की मार्केट्स हैं ये तमाम चीज़ें मिलकर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंपराइज करती हैं और इन तमाम मार्केट्स को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी मदद से वो डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ बना के इन तमाम तरह की मार्केट्स को या कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलेट है एंड वी से दैट देर

और वो लोग जो कि इन्वेस्ट करते हैं उनके दरम्यान में लिंक डेवलप किया तो देर कुड बी इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए जिनको कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो सेवर्स को कैसे ढूंढेंगे कि कौन लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास अपने पैसे देना चाहते हैं या थोड़े टाइम पीरियड के लिए देना चाहते हैं कम डिनोमिनेशन के पैसे हैं या ज़्यादा पैसे चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के वास्ते तो सेवर्स को कनेक्ट करना विद द इन्वेस्टर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री तो सेवर्स क्या करेंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके अपने पैसे सेव करते हैं और फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको उस सेविंग के अगेंस्ट कुछ कुछ रिटर्न देती है और उस मनी को फिर वो इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टर्स को दे के वहाँ से कुछ पैसा कमाएंगे और इन्वेस्टर्स जो हैं जो भी वो उनका अपना पैसा नहीं है जो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मनी uh, ली है फाइनेंसिस लिए हैं उनको वो इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो वो रिटर्न्स जेनरेट करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं कुछ हिस्सा फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जमा कराते हैं जो कि में से कुछ हिस्सा फिर सेवर्स के पास जाता है तो दिस इज हाउ द मनी इज चैनल्ड फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स थ्रू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रोंग है कितना वेल well डॉक्यूमेंटेड है कितना रेगुलेटेड है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए और कितना आसानी के साथ इन्वेस्टर्स को इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मनी uh, अवेलेबल है या फाइनेंसेस अवेलेबल हैं और सेवर को भी फ़ायदा हो रहा है वो सेव वो उसने तो अपना मनी अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है कुछ टाइम पीरियड के लिए जो उसने सोचा है उसके ऊपर उसको बैठे बैठे रिटर्न मिल रही है तो दीज आर द एडवाटेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए पीछे बैठी होती है गवर्नमेंट वो इसको रेगुलेट करती है अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक है वो क्या करती है वो और देर आर सेवर अदर इंस्टीट्यूशन जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है रेगुलेट करती है और इस तरह से पॉलिसीज़ बनाती है जहाँ इन्वेस्टर्स को सेवर्स को सभी को कुछ ना कुछ फायदा भी हो और साथ ही में इकोनॉमी ग्रो भी करे तो दीज आर बेसिक ऑब्जेक्टिव नाउ देर आर सेवरल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जब जानते हैं सुनते हैं तो हमारे हमारे दिमाग में कुछ बातें डेवलप हो जाती है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बट इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑपरेट्स तो देर आर सर्टन इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहली बात वी टॉक अलाउड अलॉट अबाउट द स्टॉक्स एंड द स्टॉक मार्केट्स तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम कंपोनेंट है स्टॉक्स लेकिन ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक अहम कॉम्पोनेंट तो है लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट नहीं है फाइन वो उसका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं बनाती देर आर सटन अदर कॉम्पोनेंट्स जो कि ज्यादा पैसे इन्वॉल्व करती है और वो क्या है दैट इज द लोन्स इन डायरेक्ट लोन्स पर्टिकुलरली राइट इनडायरेक्ट लोन्स आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कम्प्राइज करती है इनडायरेक्ट लोन्स और जो स्टॉक मार्केट है ऑल्दो दे आर स्टॉक्स हैं या स्टॉक मार्केट है ऑल्दो इट कवर्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बट वो सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है पूरे इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन वी वैन देर आर कंपनीज दैट इश्यू मार्केटेबल डेट यानी कि स्टॉक्स को जब वो जारी करती हैं दैट इज नॉट द प्राइमरी वे ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस बिजनेस के पास स्टॉक्स जारी करना सबसे अहम इकलौता बड़ा सोर्स ऑफ़ फाइनेंस नहीं है वो क्या करती है कहाँ से जनरेट करती है ज्यादातर पैसा इनडायरेक्ट फाइन इनडायरेक्ट लोन से राइट तो दिस इज वन ऑफ एक अहम जरिया तो हो सकता है उसका फाइनेंस जनरेट करने का मगर सबसे बड़ा जरिया पैसा जनरेट करने का स्टॉक्स नहीं है ऐसे लगता है ना कि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं हम कहते हैं स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो अब क्या होगा और नीचे चली गई है इंडेक्स की ऐसी इंडेक्स गिर गई है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई गड़बड़ होने वाली है तो बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑल्सो वी कंसिडर इट एज एन इम्पॉर्टेंट चंक इंपॉर्टेंट पार्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन कॉम्पोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बट दिस इज नॉट द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इज नॉट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है इनडायरेक्ट लोन्स मैं में अभी आपको वजाहत करती हूँ कि वो क्या होते हैं सो so, दो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थर्ड इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मेनी टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन डायरेक्ट फाइनेंस अब फाइनेंस दो तरीके से हम अपटेन कर सकते हैं एक डायरेक्ट फाइनेंस होती है और एक इनडायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब है आपके पास सरप्लस मनी है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है मैं आपके आपको बोलती हूँ मुझे एक लाख रुपए दे दें पाँच लाख रुपए दे दें दे, दस लाख रुपए दे दें जितनी भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या आपके पास सरप्लस मनी पड़ा हुआ है आप वो मुझे दे देते हो मैं आपको बोलती हूँ इसके ऊपर मैं आपको ये रिटर्न देने वाली ठीक है सिक्स परसेंट एट परसेंट जो भी मार्केट का अवेलेबल इस वक्त रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली निगोसिएट कर लेते तो मैंने क्या किया मैंने आपसे डायरेक्टली पैसे ले लिए यानी कि सेवर और इन्वेस्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में है एससी फाइनेंस को हम डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंस एक और अल्टरनेटिव वे है वो क्या है मैं आपको नहीं जानती आपके पास पैसे हैं जो कि आपने सेव करके रखे हुए हैं और आप उसके ऊपर कुछ पैसा कमाना चाह रहे हो मैं इन्वेस्टर हूँ मुझे आपका नहीं पता आपको मेरा नहीं पता आप क्या करते हो आप बैंक के पास जाते हो आप जाके वो अपना मनी वहाँ डिपॉजिट कर देते हो फिक्स डिपॉजिट कर देते हो दो साल के लिए पाँच साल के लिए वो आपको बोलते हैं चूँकि आपने फिक्स डिपॉजिट किया हम आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर आप कहते हो अच्छा ठीक है आप सिक्स परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर वो मनी वहाँ जमा करा देते हो मैं बैंक के पास जाती हूँ मैंने बैंक को बोला बैंक मुझे पाँच लाख रुपए चाहिए लोन और वो मुझे बोलते हैं हम आपसे ट्वेल्व लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला अच्छा ठीक है तो मैंने उनसे पैसे ले लिए आप अभी क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपने फाइनेंस मुझ तक पहुँचाया है आपकी मनी हो सकती है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेवर्स जो मनी मुझे मिल गई है इसमें बीच में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इस फाइनेंस को बोलेंगे ये इनडायरेक्ट फाइनेंस ठीक है तो हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मनी टाइम्स मोर देन द डायरेक्ट फाइनेंस जो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हो रही है मनी इन्वेस्टर सेवर से इन्वेस्टर के पास जा रही है उसकी वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू जो इंटरमीडियरी के थ्रू जाती है ठीक है तो इसका मतलब है कि इंटरमीडियरी का रोल काफी सिग्निफिकेंट है काफी बड़ा है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज देश बेसिकली इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनमी ठीक है नेक्स्ट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज खास तौर पर बैंक पर्टिकुलरली बैंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंडनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो की रोल है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन बैंक क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं वो इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेश और उनका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है या उनका इम्पोर्टेंस है दैट इज फार मोर ग्रेटर

फिल्म इंडस्ट्री को ले लें या टेलीविजन को ले लें या रेडियो को ले लें तो सरकार का काम है कि वो रेगुलेट करती है लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस और स्ट्रिंग string, स्ट्रिंजेंट या स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर जो उसका रेगुलेटरी रोल है एन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज दैट ओनली द लार्ज वेल स्टैब्लिश्ड कारपोरेशन कैन हैव एन एक्सेस टू द सिक्योरिटी मार्केट जो सिक्योरिटीज जारी करनी है सिर्फ लार्ज कारपोरेशंस कर सकती हैं हर किसी कंपनी के ये नहीं कर सकती कि वो सिक्योरिटीज़ जाके या स्टॉक्स को इशू करना शुरू कर दे ठीक है ये तो साता सी बात थी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोलेट्रल कोलेट्रल इज अ प्रिवेलेंट फीचर कोलेट्रल के बिना काम नहीं हो सकता कोलेट्रल क्या होता है कोलेट्रल वो प्रॉपर्टी है या वो एसेट है जिसको आप प्लेच करते हो जब आप कोई भी चीज़ को बोरो करें राइट तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए हो लोन लेने के लिए आप लोन वापस करोगे कि नहीं उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और उस सिक्योरिटी के लिए आपको अपने घर के कागज़ या कोई और प्रॉपर्टी कोई प्लॉट है इसके कागज़ आपको प्लेच करने पड़ेंगे और उस प्लेच को हम कहते हैं कोलेट्रल तो एक और अहम बात जो कि कोलेट्रल के बारे में है दैट इज़ कोलेट्रलाइज डेट यानी कि वो डेट जिसके ऊपर कोलेट्रल जमा होना ज़रूरी है जिसको हम सिक्योर डेट बोलते हैं इस फार मोर एज कंपेयर टू उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन कोलेट्रलाइज डेट यानी कि अनसिक्योर डेट की वॉल्यूम बहुत कम होती है अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डीकम्पोज करके देखें तो इसका मतलब है कि जो अगर डेट है लोन है उसके पीछे कोई ना कोई गारंटी या सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ती है सिक्योर सिक्योर बनाने के लिए उसको तो दिस इज़ अनादर इंपॉर्टेंट फिनोमिन परटेनिंग टू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एक और जो आखिरी बात है लास्ट फैक्ट अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेट इज़ डेट कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स इसलिए इसमें जो डेटर है जो इस पर्टिकुलर बोरोइंग और लैंडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है तो चूँकि वी नो इट्स सीरियस इट्स समथिंग विच इज वेरी इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इन्वॉल्व मनी तो इसलिए उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन में से गुजरना पड़ता है एंड दैट इज़ द ऑब्लीगेशन दैट दैट इज द ऑब्लीगेशन दैट इज दैट इज़ बीन इम्पोज बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांगली इसको मॉनिटर करती हैं इसको रेगुलेट करती हैं और इन आठों फैक्ट्स की समरी को बयान करने के लिए एक्सप्लेन अंडरस्टेंड करने के लिए इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑल दो वी टॉक अलॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट्स ये पर्टिकुलर जो बार चार्ट्स हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के जर्मनी के जापान के और कनाडा के एक्चुअल डेटा की बेस पे बनाए गए हैं एंड यू कैन सी दैट इन चारों मुल्कों में एज यू कैन सी हाइट्स ऑफ द बार्स, जो स्टॉक मार्केट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है एज़ कंपेयर टू द बैंक लोन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो बैंक लोन्डायरेक्ट जो लोन्स हैं कोलेट्रलाइज लोन्स हैं उनकी जो सिग्नीफिकेंट है सिग्निफिकेंस है या वॉल्यूम है वो मेनी टाइम्स मैनी फोल्ड्स मोर है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट हालांकि हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही होती है या ये बहुत ज्यादा फाइनेंसिस इन्वॉल्व होते हैं और आप इन इसको कंपेयर करें अभी जो येलो वाली बार है दैट इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहा है बैंक लोन्स आर स्मॉलर देन द नॉन बैंक लोन्स बट बाकी के कंट्रीज में जर्मनी में जापान में और कनाडा में जो बैंक लोन्स हैं दे आर

और सिमिलरली आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो आपको वो तमाम इस पर्टिकुलर चार्ट्स की मदद से आपको वो तमाम फैक्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं यू कैन ऑब्जर्व देम इन टर्म्स ऑफ द रियल डेटा दैट मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज कम्प्राइज इज कम्प्राइजिंग ऑफ द बैंक लोन्स एंड द नॉन बैंक लोन्स एंड द स्टॉक मार्केट ऑल्डो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट Component of the financial structure, but uh, it forms a relatively smaller proportion of the overall financial structure in an economy.